जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी अभी खबर आई है रांची हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट से, कि चिरूडी हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ चिरूडी हत्याकांड में क्या क्या हुआ था। चिरूडी हत्याकांड जो बड़का गांव में है, मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस आई थी, 10 साल की सज़ा हुई थी योगेंद्र साव जी को। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया था। क्या है मामला पूरा? मामला कांड संख्या 2228/2016 से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित चिरूडी हत्याकांड से जुड़ा है। चिरूडी खनन को लेकर कफन सत्याग्रह से जुड़ा है। आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में चिरूडी खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़का गांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़का गांव के पूर्व विधायक निर्मला देवी, पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो यही चिरूडी हत्याकांड था। अभी अंबा प्रसाद जो एमएलए हैं बड़का गांव की, करेंट हैं, उनसे बात हुई थी। वो योगेंद्र साव जी की पुत्री हैं, उनसे बात हुई, वो रांची में थी। तो जब रांची से वापस आएंगी तो शायद हम लोगों से बात करेंगी और बताएंगी कितना खुश हैं वो इस फैसले के बाद। फ़ोन पे तो बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि वो रांची में ही थी, बस निकल रही थी कोर्ट से। तो योगेंद्र साव जी के लिए ये फैसला आया है। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के। चिरूडी हत्याकांड में उन्हें जमानत दे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।